हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती को लेकर नियम अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जो है एक ऑफिशियली जो है यहाँ पर विभाग के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें क्या कहा गया है सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि कई लोग जो है इसका वेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निर्देशालय प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 21 मई को रिलीज़ किया गया है। इसमें जो है विषय रखा गया कि उत्तराखंड में जो सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पद पर जो है नियुक्ति हेतु आपके नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाइट पर जो है अपलोड किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो आदेश हैं, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई थी, इनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रखी थी, तो उसको लेकर जो है एक ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है सहायक अध्यापक को लेकर। जो प्राइमरी लेवल पर सहायक अध्यापक की भर्ती आपकी आई हुई थी, यानी कि 2020-21 की, उन पर जो है नियुक्तियाँ नहीं हो रही थी, किसी कारणवश जो है आपकी रोक लगा दी थी, आपको पता ही है, और उसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। और इसको लेकर कहा गया है कि उपयुक्त विषय जो है आपके पत्र संख्या जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जो रोक थी ना आपकी नियुक्ति को लेकर, वो हटा दी गई है, ठीक है, विभाग के द्वारा। और 31/12/2020 के संबंध, 2020 की भर्ती थी उसी में यहाँ पर कहा गया है, जो भी वर्तमान समय में 2300+ पोस्टों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि उधमसिंह नगर जिले में जो है इस कार्यालय के सहायक अध्यापक प्राथमिक के प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष जहाँ मेरिट सूची के अनुसार जो है आपके पत्र संख्या जो कि आप देखते हैं 19/5/2022 के अनुपालन में यहाँ पर नियुक्ति आदि जो है विभागीय वेबसाइट यहाँ पर जो है अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको आप देखने को मिलेगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जो है अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं शायद यहाँ पर अपलोड हो चुकी होगी, अगर हो चुकी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल जो है आप चेक कर लेने के बाद हुई है नहीं हुई है, और यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी, कई लोग का जो है नियुक्ति हो चुकी होंगी, उसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पर जो है आपकी रोक लगी थी NIS वाले को लोगन, लेकिन यहाँ पर अब विभाग के द्वारा ये रोक हटा दी गई है, और अब आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी।